और अगर यहाँ बैठ के डिबेट सुनेंगे तो और अच्छा है, आप लोगों को मजा आएगा जरा डिबेट सुनने का। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सो बैठे आप लोग डिबेट सुने। और शर्मिला जी को हम बिठा चुके हैं जी यहाँ पे सदरे आली वकार की कुर्सी पे, और शर्मिला जी अगर सदरे पाकिस्तान बन गई तो हमारे बड़े मजे हो जाने। मौजे लग जाने ना कि साडा भी कोई दोस्त आ गया, भाई हट जाओ पीछे, हूँ सारी चीजें सही करवा लेंगे। और आज का मौजू बड़ा फंसेगा शर्मिला जी, आज का मौजू है मेरे देश का निजाम निराला। ठीक है जी, सो अप्रोप्रिएट है, सही है। और हमारे साथ एम एहतिशाम है बहरिया कॉलेज से, चार है भाई एक भी नहीं, खंशा मुगल है हैदराबाद से, कामरान जुबैर है जामिया सूफा से, और उसामा मुश्ताक है एपेक्स गुजरांवाला से। ओ खैर हो गई, सो दो कराची से हैं और एक हैदराबाद और एक गुजरांवाला से हैं। बच्चों आप लोग बिल्कुल खामोशी रखिएगा वरना भाई डिस्टर्ब होंगे। शुक्रिया। और एक दफा फिर आगा जी साहब, यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है आपका? खुदारा वहाँ का कोई प्लान नहीं है जहाँ का, आप समझ रहे हैं। ओके, तैयारी देख रही हैं आप? देखें इतना मैं तैयार नहीं हो रहा जितना ये हो रहा। सीधा शादी हॉल में जाएंगे। देखा मैंने कुछ नहीं कहा यार, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बॉल बना के दी, उन्होंने शॉट खेल लिया। हाँ। शादी हॉल में जाने का मसला नहीं है, लेकिन जिधर आप मुदसर भी थोड़ा थोड़ा छेड़ना शुरू हो गए हैं। सो पहले जी बहरिया कॉलेज से एम एहतिशाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये रही सदरे आली वकार। जनाबे वाला, एक इंतहाई संजीदा मुकर्रर को मजाहिया मौजू देना इस बात की अलामत है कि मेरे देश का निजाम निराला है। जनाबे वाला, मेरा देश खलाइस्तान और इसका निजाम निराला। जब खलाइस्तान बना था तब एक बाबा जी ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। बाबा तमाम शरीर बच्चे बिल्कुल उनसे इसी तरह डरते थे जिस तरह मुकर्रीन आगा साहब और मुदस्सिर भाई की जजमेंट से डरते हैं। जनाबे वाला, उनके मुखालिफीन उनसे जलते थे। बाबा जी ने हंसी का एक मंत्र पढ़ा और उनके तमाम मुखालिफीन हंसने लगे। यूं हंसते हंसते 71 में देश के लग गए रस्ते, और आगे का हवाल तो आप खूब जानते होंगे सदरे आली वकार। जनाबे वाला, मेरे देश का निजाम निराला है। यहाँ बीवी को अहलिया कहा जाता है, मगर फैसल भाई मेरा ये सवाल है कि मियाँ को क्यों ये अहल क्यों नहीं कहता, क्योंकि सारा देश जानता है कि मियाँ तो नाअहल हो चुका है। जनाबे वाला, मेरे देश का निजाम निराला है। मेरे देश में एक एयरलाइन है जिसका नाम है शाहीन। मुझे उनसे ये कहना है कि उन्होंने इकबाल के शाहीन की इतनी मिट्टी क्यों खरीद कर रखी है। जनाबे वाला, आप खुद ये बताइए कि सुनते हुए कैसा महसूस होता है कि कराची के हवाई अड्डे पर शाहीन फिसल गया, लाहौर के हवाई अड्डे पर शाहीन का टायर फंस गया, फट गया, और तो और दौराने परवाज शाहीन में कबूतर घुस गया, और तो और सदरे आली वकार दुबई के हवाई अड्डे पर 10 किलो चर्स बरामद हुई। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। जनाबे वाला, मेरे देश का निजाम निराला है। जनाबे वाला, मैं यहाँ पहुंचा, बोल के सर पे पहुंचा, मैंने दानियाल भाई से कहा मुझे कुछ कहना है। कहने लगे कहो। मैंने कहा जनाबे वाला, अदालत उज़्मा पर कुछ बात हो सकती है। कहने लगे आपकी कोई दोस्त उज़्मा होगी, उनके बारे में बात कर लें। मैंने फिर सवाल किया कि दानियाल भाई क्या हम इदारों पर कोई बात कर सकते हैं? कहने लगे हाँ हाँ, ये तो आपका हक है, जरूर करिए, लेकिन एक शर्त है कि इदारे नाइजीरिया के। मैंने फिर सवाल किया कि जनाबे वाला क्या जमहूरियत पर बात हो सकती है? कहने लगे जो चीज यहाँ मौजूद ही नहीं उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। जनाबे वाला, बिल्ली शेर की खाला है, शेर ने गीदड़ पाला है, और बंदर रीछ का मामू है, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? जंगल में कोई कानून नहीं, यहाँ वहां भी मेरे देश की तरह हाल निराला है। इस शेर का सियासत से कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया। थैंक यू एहतिशाम, थैंक यू। और खानशाह मुगल हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम, माइक सेट कर लीजिए जी। हैदराबाद से आई हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैदराबाद से आए वो आगे आगे जाए जा रहे हैं, अब देखते हैं कि आप क्या करती हैं। इंशाल्लाह। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और इसके लिए मुझे हमारे कोऑर्डिनेटर्स की कसम। सदेसी वकार, मेरे देश आज के मौजू पर लिखना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल कि जितना हमारे मुल्क के शरीफों को वापस पाकिस्तान लाना। सदेसी वकार, असल में आज के मौजू पर लिखना मुश्किल इसलिए था क्योंकि अगर सच कहूंगी तो कल मेरी ऑडियो वायरल, मेरा मतलब है वीडियो वायरल हो जाएगी, और नीचे बड़ा बड़ा लिखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेटेड, और झूठ कहूंगी तो मुनकर नकीर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। जनाबे वाला, हमारे हुक्मरानों के हाथों में है भीख का प्याला, हमारे मुंह पर है ताला, और मेरे देश का निजाम है निराला। इतना निराला, इतना निराला कि जब हमारे यहाँ बिजली जाती है तो हम बाहर निकलकर देखते हैं
सबकी गई है या सिर्फ हमारी कटी है? चिनाबे वाला मेरे देश का निजाम इतना निराश है कि यहाँ पे जिंदा तो जिंदा मुर्दों के भी वोट डल जाते हैं। चिनाबे वाला मेरे देश का निजाम इतना निराला है कि कुछ लोगों के मुताबिक फैसल भाई की नेटवर्थ $5 बिलियन है, लेकिन फिर भी इनके पास FBI वाले नहीं आते। जिनाबे वाला मेरे देश का निजाम इतना निराला है कि हमारे यहाँ रात 12 बजे के बाद बिजली चली जाती है। अब आप बताएं कि रात 12 बजे के बाद मुझे भूख नहीं लग सकती, या मैं भी रात की तारीखी में खाना नहीं मुल्कम। सदेसी वकार, मेरे देश का निजाम इतना निराला है कि हमारे शादीशुदा मर्दों के दिल से आवाज आती है कि जब से लगी है नजर वाली शहर लगने लगी है घर वाली। मुदस्सिर भाई, मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब नहीं थी। जिनाबे वाला मेरे देश का निजाम इतना निराला है कि हमारे एक अजीज करीबी फालिजदा बिस्तर पर थे, चलने फिरने से कासिर थे। एक दिन टीवी पर चाहत फतेह अली खान का गाना लग गया, खुद उठ कर गए और टीवी बंद कर दिया। जिनाबे वाला मेरे देश का निजाम है निराला, जिसके पास है डाला उसका कोई कुछ नहीं करने वाला। जिनाबे वाला मेरे देश का निजाम इतना निराला है कि वैसे तो हमारी हर दीवार पर हर कमजोरी और बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन आज तक वो बीमारी समझ नहीं आई जिसके लिए लंदन जाना पड़ता है। सदेसी वकार, मुझे यकीन है आपको मुझसे आज कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मेरे देश के निराले निजाम के मुताबिक सदर तो खामोश होता है। शुक्रिया। ठीक है जी, अंदाज भी बड़ा प्यारा है। ये 5 मिलियन वाला जो शोशा तुमने छोड़ा है ना मुदस्सर, इस पे हम बात करेंगे। मैंने थोड़ी छोड़ा, आप देखे पूरी दुनिया, मेरी नेटवर्थ निकली है शर्मिला जी, $5 बिलियन $5 बिलियन अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। हमने तो आते ही आपसे पूछा कि मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह उसकी जबान मुबारक करे। कभी कभी ना नेगेटिव बातें भी पॉजिटिव हो जाती हैं आपके लिए। जी कामरान जुबैर जामिया सूफा से। जी कामरान भाई, मोहसिस नाजरीन, आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने के लिए तावुन किया है वॉल्स आइसक्रीम ने, जिनका चॉकलेट वनीला फ्लेवर आपके सामने तकरीर कर रहा है। जनाबे वाला, पहला राउंड जीतने के बाद मुझे बोल से कॉल आई, मुझे कहा गया कि आपको अगले मरहले में मजाहिया तकरीर करनी है। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे फिर कहा गया कि आपको तकरीर तो मजाहिया ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डिबेटर्स कांट बी चूजर्स। मैं बहस करने लग गया और फिर मुझे आखिर में ही जवाब मिला कि अगर आपने तकरीर नहीं करनी तो ना करें, गो टू हेल, जहन्नुम में जाएं। जनाबे वाला, मैं परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि मेरा तो कोई ससुराल है ही नहीं, तो मैं जहन्नुम में कैसे जाऊं। खैर, आखिरकार मैं अपनी जामिया चला गया। जनाबे वाला, पूरी दुनिया के ममालिक में शातिर और सयाने लोग मुल्क से वापस बाहर जाकर वापस नहीं आते, लेकिन मेरे मुल्क का निजाम ऐसा निराला है कि यहाँ तो शरीफ लोग भी मुल्क से बाहर जाकर वापस नहीं आते। जनाबे वाला, पूरी दुनिया में मर्दों की दो अकसाम होती हैं, एक वो जो फास्ट फूड खाते हैं, दूसरे वो जो देसी खाने खाते हैं। लेकिन चूंकि मेरे देश का निजाम निराला है तो यहाँ मर्दों की तीन अकसाम हैं, एक वो जो फास्ट फूड खाते हैं, दूसरे वो जो देसी खाने खाते हैं, और तीसरे वो जो बाजी की जायदाद खाते हैं। जनाबे वाला, मेरे जनाबे वाला, पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र वक्त के साथ साथ हर साल बढ़ती है, लेकिन मेरे देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क बोल पर इफ्तारी के बाद ऐसी मखलूक नमूदार होती है जो पिछले 5 साल से 18 साल की है। खैर जनाबे वाला, आज आपको मुझ समेत आने वाले तमाम मजाहिया मुकर्ररीन को दाद देनी चाहिए, क्योंकि रमजान में सारे शैतान कैद होते हैं, उसके बावजूद भी ये मजाहिया मुकर्ररीन तकरीर करने पहुंच गए हैं। जनाबे वाला, बताता चलूं कि इस देश के निराले निजाम में एक दफा एक मौसूफा को मुझसे मोहब्बत हो गई। उनके अब्बू बूट पहनते थे बाटा के। उन मौसूफा ने शहर के मसरूफ तरीन पार्क में मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा छोड़े ना। उन्होंने कहा मेरी जान आपका चांद सा रोशन चेहरा। मैंने कहा छोड़े ना। उन्होंने कहा कि आपकी तेज तर्रार मूछें, आपके लंबे लंबे बाल। मैंने कहा छोड़े ना। उन्होंने कहा काफी देर से छोड़ ही तो रही हूं। खैर जनाबे वाला, बात खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई लोग रोने लगे गालियां देते हुए। लेकिन जनाबे वाला, अब चूंकि मेरे देश का निजाम निराला है और अब IMF मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, सो मैं ये ऐलान करना चाहूंगा कि इस बार स्टार डिबेटर 2023 का फाइनल जीतने वाले को बोल की जानिब से 10 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। शुक्रिया। सही है, सही है जी। $5 बिलियन में से जी उसामा मुश्ताक एपेक्स गुजरांवाला, बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, आज से चंद रोज कबल मुझे मेरी तकरीर का मौजू मसूल हुआ कि मेरे देश का निज़ाम निराला। अलीवकार, जब मैं इस मौजू पे सोचने के लिए बैठा तो सोच सोच के मेरे जहन में मौजू से मिलता जुलता एक जुमला आन पहुंचा कि मेरे देश का निज़ाम निराला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अलीवकार, देश के निज़ाम की बात तो करते हैं बाद में,
पहले बात कर लेते हैं बोल के निराले निजाम की। अली वकार, जब मैं यहाँ पे अपना पहला राउंड बोलने के लिए आया तो बोल के खूबसूरत से प्यारे से क्यूट से होस्ट ने मुझे पूछा कि भाई बोल पे आए हो, गुजरांवाला से आए हो, मेरे लिए चिड़े लाए हो। तो मैंने बेसाख्ता जवाब दिया, नहीं जनाब आला, हमारे यहाँ इंसान चिड़ों को खाते हैं, चिड़े चिड़ों को नहीं खाते। सदियार विकार, अब बात करते हैं मेरे देश के निराले निजाम की। सदियार विकार, मेरे देश का निजाम तो इतना निराला है, इतना निराला है कि यहाँ पे मौजूद छोटे छोटे सियासी बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पे फायज कर दिया जाता है, और फिर कभी उनकी कांपे टांगती हैं, कभी उनके आलू दर्जन में बिकते हैं, और कभी उनकी अंडे किलो में हो जाते हैं। सदियार विकार, मेरे देश का निजाम तो इतना निराला है कि सऊदी अरब में गंजों को हाजी कहा जाता है और हमारे यहाँ शरीफ। अब शरीफ से मुझे एक बात याद आई कि हमारे यहाँ की पुलिस भी तो इतनी शरीफ है कि यहाँ पे चोर चोरी करके भाग गया, डाकू डाका डाल के भाग गया, पॉलिटिशियन पैसा लूट के भाग गया, और हमारी पुलिस किसे पकड़ी है, जिसने हेलमेट पहना हुआ। सदियार विकार, मेरे देश का निजाम तो इतना निराला है, इतना निराला है कि बाहर के ममालिक में तो मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीर वाला फ्रेम पे लगाए जाते हैं, और हमारे यहाँ वजीर आजम हाउस में। सदियार विकार, अब बात कर लेते हैं मेरे घर के निजाम की। आज से चंद माह कबल कराची से 20 घंटे का सफर तय करके लड़की वाले मेरे घर में रिश्ता देखने आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही रह गए। 5 मिनट की खामोशी का मातम करने के बाद लड़की वालदा ने मेरे वाले से पूछा कि भाई लड़का करता क्या है। मेरे वाले साहब ने जवाब दिया, तकरीरें। अलीगर, वो दिन और आज का दिन, ना तो कोई मेरे घर रिश्ता देखने आया और ना ही वो रिश्ते कराने वाली आंटी। फिर मुझे मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई तुम बोल पे चले जाओ, वहां से तुम्हें शोहरत भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा और लड़की भी मिल जाएगी। अलीगर, फिर मैं यहाँ बोल पे आ गया। आज मुझे यहाँ पे आए 12 दिन हो गया, मगर ना तो मुझे शोहरत मिली, ना पैसा मिला, और ना ही समझ सब गए होंगे। सदियार विकार, अब मेरी तकरीर का टाइम खत्म होने को है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे ताल्लुक पाकिस्तान के एक शरीफ मुहिब्बे वतन घराने से है। मगर मुदस्सिर साहब, एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर मुझे आगे ना भेजा गया तो मुझे अभी को जुमला याद है कि मुझे क्यों निकाला। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा चारों से कि स्टेज पे तशरीफ लें। और अच्छा, जो इजी टारगेट मिल जाता ना, उसमें सारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ। जी शर्मिला जी, क्या लगता है आपको, क्या चारों में कोई जो आपको सबसे फनी लगा हो? सबसे फनी मुझे सबसे अच्छी तो लड़की लगी। अच्छा। हाँ। यानी कि आपको खानशाह की तकरीर अच्छी लगी है? यस। अंदाज आपको उनका अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ। थोड़ा फनी था, आप ये कहती हैं? अच्छा था, मौजू के लिहाज से अच्छा। It was nice. Presentation भी होती है ना? हाँ, presentation was अब good. देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। आप चारों का टाइम शुरू होता है अब। जी आगा साहब। जनाब, आज मुझे इस बात का एहसास है कि सीरियस बोलने वालों को कहीं कॉमिक दिया जाए तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, वो मुझे अंदाजा हो रहा था। और जनाबे वाला, अगर कुल मिलाकर आप चारों ने जितनी मरतबा बोला है उसको अगर एक साथ नशर कर दिया जाए तो ये नशरियात सिर्फ जनाबे वाला होगी। ढाई मिनट से ज्यादा वही जनाबे वाला बन जाएगा। तो खुदा ना किसी लफ्ज़ की इतनी गर्दान नहीं की जाती कि वो कानों को जो है वो बुरा लगने लगे, और मुखातिब करने के लिए मुख्तलिफ अनवा के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। बहरहाल, पहले मुकर्रर ने आकर जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैं ये बारहा कहता रहा हूँ कि कॉमिक तकरीर में जो है वो एक फ़र्क होता है कि सीरियस तकरीर में जजेस आपको कभी भी ताली बजाकर दाद नहीं देते, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर इंसाफ करना है, आपको मार्क्स देने। लेकिन कॉमिक तकरीर में वो बेसाख्ता मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपकी बात इतनी लतीफ़ होती है कि उसमें वो मुस्कुरा देते हैं। लेकिन हम दोनों ऐसा करने से कासिर रहे। बहरहाल, एक रिजल्ट बनाया है। उमूमी तौर पर जितने नंबर आपको मिलने चाहिए थे चारों ने वो नंबर नहीं लिए हैं मेरे पास से, मुझे आपका रिजल्ट नहीं मालूम। और पहले मुकर्रर के बाद दूसरी मुकर्रर ने आकर कहा कि बिजली जो है वो नहीं थी, इसलिए खाने का मसला हो गया। मुझे नहीं मालूम कि बिजली का खाने के साथ क्या ताल्लुक है। और तीसरे मुकर्रर ने कहा उनने, ये उनने जो है ना ये कोई लफ्ज नहीं है, उसने कहा जाता है। उनने किन्ने? हाँ, उनने किन्ने पहले दे दिए हैं। विनने कहा था। हाँ। ये जरा थोड़ा सा काफी लोग बोलते हैं जी उनने। जी हाँ। तो ये दुरुस्त नहीं है। फिर चौथे मुकर्रर के लिए मेरा ये कहना है कि खुदा रा अपने अल्फाज को वाजे करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। आपके लफ्ज आपस में जो है ना वो बगल गिर हो जाते हैं, गुथम गुथा हो जाते हैं, तो उसको जरा वाजे कीजिए और अपने एक्सेंट पे भी काम कीजिए। मैंने रिजल्ट बनाया और मुदस्सिर साहब लगे हैं हिसाब किताब करने। नहीं, हिसाब किताब वाला आज मामला ही नहीं है। क्या बात कर, बहुत
हाँ तकरीरें बहुत ही मुनासिब सी, बहुत कम नंबर्स लिए हैं आप सब ने, लेकिन बाहर क्या क्यों बच्चों की जान निकाल रहे हो यार? एक तो वैसे ही हमने हटा के किया, ये बता दो आज एक जाएगा दो जाएंगे आगे? जाएगा तो एक, आज एक है तो एक, दो है। अच्छा फिर मेरे पास से दो के ही नंबर एक जितने हैं, ऐसा ही है? जी आपके पास दो के नंबर भी एक जितने, आपके पास दो फर्स्ट है। हाँ मेरे पास दो फर्स्ट है। ये लोग ना बड़ा मुश्किल कर देते हैं सीरियसली, मेरा दिल जो है ना यूं ही होना शुरू हो जाता है। आप लोग मेहनत सभी करते हैं। हाँ अपनी तरफ से तो सबने मेहनत की है। वो कह रहा था वो कराची आया बेचारा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, ना पैसे मिल रहे हैं, ना शोहरत मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है। अपनी सुस्ती है तुम्हारी भाई, आजकल के लड़कों को तो अल्लाह माफ करे, घर बैठे सारा कुछ होया था। सॉरी हाँ जी बताएं साहिब भाई कैसे कर सकता है ये बेचारा? ये तो इतनी वो इतना कुछ लिख रहे हैं, पूरे घर का महीने का वो ये पूरा काम बिल बनाते हैं, दोनों का हिसाब भी तो निकालना है। दोनों का हिसाब पहले अपना लिखते हैं, फिर हिसाब निकालते हैं, फिर बताते हैं, फिर पाल निकालते हैं, रमल किसे देखा जफर से, फिर सितारों की चाल देखी जाती है, फिर बताते हैं आपको तारे अपने लाइन में हैं या मुझे तो नहीं लग रहा जी। तो रिजल्ट्स जो हैं वो जी तकरीबन एक जितने ही हैं, इनके पास बराबर है, मेरे पास एक आध नंबर से फर्क है, लेकिन रिजल्ट्स वही हैं। अगले मरहले में हमारे पास हमारे पहले मुकर्रर वो जा रहे हैं एहतिशाम आगे जा रहे हैं। और अब इन तीनों में से कौन नहीं जा रहा ये बताएं? इन तीनों में से जो है वो नहीं एक जा रहा, बल्कि दो नहीं जा रहे ना, दो नहीं जा रहे, पहले एक बताएं। पहले रनर अप के साथ चेज़ब के गिफ्ट कैंपस जाएंगे। सामा जा रहे हैं, सॉरी यार छिड़े नहीं ले आया ना तुम, रिश्वत लानी चाहिए थी। हाँ जी और अगले मरहले में हमारे साथ जो जा रहे हैं वो हैं खनशा मुगल। खनशा कांग्रेचुलेशन। और कामरान और उसामा का सफर आज यहीं तमाम होता है। और हकीकतन अगर मैं पूछूं ये अपार्ट फ्रॉम देम खुद भी यही लग रहा था, बिकॉज जैसे हमारे आगा भाई कहते हैं कि आपको खुद एहसास हो जाता है कि आप कब उतरे हैं सफर करते करते। कंटेंट सबका काफी वीक था। हाँ है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मुझे तो इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, बिकॉज शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल। उसमें चारों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर शर्मिला फारूकी कोई राय दे रही है तो बस औकात ऐसा होता है बाहर जाकर ना बच्चे लिखते हैं कि जी वहाँ पे गेस्ट बैठे हुए थे उन्होंने राय दी, क्या वो भी हमारे जजमेंट में शामिल थे? तो मैं आपको वाजे कर दूं कि शर्मिला फारूकी इस लायक हैं क्योंकि बहसियत सहाफ़ी बहसियत आर्टिस्ट ये इन शोबों से गुजर के आई हैं, तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि अल्फाज का अदायगी का क्या अंदाज होता है। और इनसे ज्यादा तकरीरें हमने भी नहीं सुनी होंगी। हाँ, तो प्रोफेशनली हर रोज तकरीरें सुन रही होती हैं। ने बड़ा अच्छा मशवरा उनको दिया कि अल्फाज बड़े वाजे तौर पे जब आप बोलें तो अल्फाज सामने वाले को समझ आना चाहिए। तो आपके अल्फाज की अदायगी कमजोर थी, थोड़ा आप जल्दी जल्दी में भी बोल रहे थे, लेकिन उस पर अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कंटेंट जैसे मैंने पहले कहा कि सबका जो टॉपिक था उसको जस्टिस किसी ने नहीं किया। जी बिल्कुल जी। और शर्मिला जी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी मिल लिया करें। जी जरूर आप तशरीफ लाएं, हमारे बच्चे हम उम्र है आप उसमें खेलेंगे तो। आपकी बेगम मेरी दोस्त हैं जी। हाँ ये भी तो मसला है ना, ये भी तो मसला है, लेकिन घर आए मोर देन वेलकम। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक, वेरी वेल प्लेड। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।